हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का आपके ही चैनल इंजीनियरिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं एक्चुअल साइकिल की जो लॉस फैक्टर्स है उनमें से तीसरी और आखिरी लॉस फैक्टर। पहली जो दो लॉस फैक्टर है, टाइम लॉस फैक्टर और हीट लॉस फैक्टर, उनके बारे में मैंने वीडियो बना के रखे है। अगर आपने नहीं देखे है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक में दे दिया है, आप जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे एग्जॉस्ट फ्लो डाउन। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग इस एरिया के बारे में बता चुके हैं पहले के वीडियो में, इस एरिया के बारे में भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे और एक एरिया बचा हुआ है, वो क्या है? तो वही है हमारा एग्जॉस्ट फ्लो डाउन। कैसे हम देखते हैं, देखिए, जब हमारा पावर स्ट्रोक होता है, जब पावर पिस्टन के ऊपर आता है तो पिस्टन नीचे जाता है, वो सही है, लेकिन जब पावर स्ट्रोक होता है, कंबशन होता है, तब चैम्बर के अंदर हमारा क्या होता है, बहुत प्रेशर जनरेट होता है, लगभग 7 बार प्रेशर जनरेट होता है चैम्बर के अंदर, ठीक है। तो पिस्टन जब BDC तक आएगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो पिस्टन है उसको, ये जो गैसेस बची हुई है उसको धकेल के हमारे एग्जॉस्ट पोर्ट से निकालना पड़ेगा। तो पिस्टन को कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना इस गैसेस के ऊपर, तो वो जो वर्क करना पड़ रहा है पिस्टन को, वहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो 7 बार की जो प्रेशर आया है यहाँ पे, 7 बार के प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जब हमारा जो पावर स्ट्रोक हो रहा है, पावर स्ट्रोक स्टार्ट होने के साथ साथ ही हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खोल दे रहे हैं। उसके साथ क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे गैसेस होगा, थोड़ी बहुत गैसेस निकल जाएंगी ना, तो गैसेस निकल जाएंगी तो प्रेशर जो है वो 7 बार से कम होके अप्रोक्स 3.5 to 2 बार हो जाता है, ठीक है। तो जब इतना तक आ जाता है तो प्रेशर कम हो गया, मतलब पिस्टन जब BDC तक आएगा, उसके बाद जब पुश करना पड़ेगा पिस्टन को, तो आसानी रहेगी पिस्टन के लिए, क्योंकि प्रेशर कम है और एग्जॉस्ट पोर्ट से वो जो गैसिड्यूल गैसेस है और बाकी जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको आसानी से निकाल पाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम लोग TDCA पहले, एग्जॉस्ट पोर्ट पहले ही खोल दे तो हमारा तो जो प्रेशर कम हो रहा है और एफिशिएंसी कम हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में सही क्वेश्चन आ रहा है, एफिशिएंसी कम हो सकता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जितना एफिशिएंसी कम होगा उससे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंसी कम हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पे 7 बार अलाउ कर ले और पिस्टन को पुश करने के लिए छोड़ दें। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो थोड़ी देर पहले खोल देते हैं, क्योंकि प्रेशर हमें यहाँ पे डिक्रीज करना है, ठीक है। तो यही था एग्जॉस्ट फ्लो डाउन, और ये जो एरिया है इस ग्राफ में, ये रिप्रेजेंट करता है एग्जॉस्ट फ्लो डाउन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही था 3 लॉस फैक्टर्स ऑफ एक्चुअल साइकिल। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।